तो दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म पठान ने फाइनली 1000 करोड़ का बिजनेस वर्ल्ड वाइड कर लिया है। अच्छी बात है, लेकिन अब इस फिल्म के इर्द गिर्द कई सारी खबरें, नई नई तरह की खबरें जो हमने सोची भी नहीं होगी, जो हमने मतलब हमें दिमाग में ही नहीं आया होगा, ऐसी ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही है। खबर क्या है तो कि भाई धूम वाले जो कैरेक्टर है यानी कि जय दीक्षित जो है वो अब स्पाई यूनिवर्स में एंट्री लेने वाला है। आपने ये भी सुना होगा कि आदित्य चोपड़ा चाहते हैं कि जय दीक्षित स्पाई यूनिवर्स में आए। आपने सुना होगा, कहीं पे पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में पढ़ा होगा। तो पूरी रिपोर्ट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आखिर में सच्चाई क्या है। अंत तक बने रहना, वीडियो को अंत तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि धूम सीरीज और स्पाई यूनिवर्स की टाइगर, वॉर और पठान चारों फिल्में, मतलब कि ये स्पाई यूनिवर्स पूरा अलग है और ये जो धूम वाली सीरीज है वो पूरी अलग है। तो यहाँ पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट वायरफ की तरफ से, आदित्य चोपड़ा की तरफ से कुछ भी नहीं आया है। अब आदित्य चोपड़ा चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो खुद आदित्य चोपड़ा को भी नहीं पता है, लेकिन ये आपको न्यूज़ दे कौन रहा है? ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि आदित्य चोपड़ा चाहते हैं कि जय दीक्षित स्पाई यूनिवर्स में आए। अब भाई आदित्य चोपड़ा को तो पूछो, वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, वायरफ के किसी भी पर्सन से कोई कन्फर्मेशन अनाउंसमेंट नहीं आई है। कल एक रिपोर्ट छपी थी बॉलीवुड हंगामा में, वहाँ पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। बॉलीवुड हंगामा ने लिखा है कि भाई हमारे सूत्र से पता चला है कि इस तरह की खबर कहीं पर भी, मतलब ये हो ही नहीं सकता। करीबी सूत्र ने बताया है कि ये सब बकवास बातें हैं, पूरी तरह से गलत बातें हैं। आगे उन्होंने ये भी बताया कि धूम सीरीज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और अपने ही जो ट्रैक पर चल रही है वहाँ पर ही आगे वो चलती रहेगी। धूम 4, धूम 5, जितनी भी धूम आए, हर नई फिल्म एक नए लेवल पर जाएगी, लेकिन वो एक अलग ट्रैक पर जाएगी। और स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी फिल्म आए, टाइगर 4, टाइगर 5, वॉर 2, वॉर 3, वॉर 4, पठान या फिर कोई नई फिल्म, अपने ट्रैक पर चलेगी। यानी कि दोनों फिल्में अपने अपने अलग अलग ट्रैक पर चलेगी। ना धूम वाले कैरेक्टर स्पाई यूनिवर्स में आएंगे, ना स्पाई यूनिवर्स वाले कैरेक्टर धूम में आएंगे। अभी ऐसी कोई भी वायरफ की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आई है, रिपोर्ट नहीं आई है, कुछ भी नहीं है। अभी ये जो मार्केट में पूरा चल रहा है ये सब बकवास बातें चल रही है। और ये भी रिपोर्ट में कहा गया है कि आदित्य चोपड़ा खुद नहीं चाहते ऐसा हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो धूम है वो एक अलग लेवल पर चली जाए, जो स्पाई यूनिवर्स है वो एक अलग लेवल पर चले। हाँ, ऐसा हो सकता है कि धूम के साथ कोई और नई फिल्म जोड़ी जाए, यानी कि ये तो पूरी चोर वाली फिल्म है, तो एक ऐसी फिल्म बनाई जाए और धूम के साथ उस फिल्म को मर्ज किया जाए और वहाँ पर भी एक यूनिवर्स बनाया जाए, क्योंकि अभी मार्केट पूरा का पूरा यूनिवर्स का हो गया है। यूनिवर्स में जितनी भी फिल्में हैं वो ही चलने के चांसेस ज़्यादा अभी है। बाकी सोलो फिल्म आती है तो मतलब रिस्क अब हो गया है, फिल्म चलेगी नहीं चलेगी। हाँ, अगर यूनिवर्स का हिस्सा होगी तो फिल्म डेफिनेटली चलेगी। तो ऐसा हो सकता है कि जब धूम 4 आए या फिर धूम 5 आए, इससे पहले कोई ऐसी फिल्म आ जाए जो धूम के साथ मर्ज हो जाए और फिर धूम 4 में उस फिल्म को भी, उसके कैरेक्टर को भी कैमियो कराया जाए और ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन स्पाई यूनिवर्स और धूम कभी भी नहीं मिलेगी, ऐसी न्यूज़ बॉलीवुड हंगामा ने कल हमारे सामने रखी थी। फिर भी अगर आदित्य चोपड़ा चाहते हैं तो इन फ्यूचर जब दोनों सीरीज ख़त्म करनी होगी तब शायद कहीं ना कहीं दोनों कैरेक्टर को मिला सकते हैं, लेकिन अभी कोई भी ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं है कि जय दीक्षित स्पाई यूनिवर्स में आए या फिर धूम का कोई भी कैरेक्टर स्पाई यूनिवर्स में आए या फिर स्पाई यूनिवर्स का कोई भी कैरेक्टर धूम सीरीज में जाए। तो आपको ऐसे न्यूज़ मिले कहीं पर लिखी हुई, सुनो, पढ़ो, देखो, जानो, समझो, कहीं पर भी हो, इसके अभी कोई भी ट्रस्ट मत करना। तो यही जो पूरा सच था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। धन्यवाद।